प्रदेश में पिछले करीब 1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की यह संकल्प यात्रा मोदी गारंटी वैन के रूप में गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहीं यह यात्रा रेवाड़ी में भी तीनों विधानसभाओं के अंदर जोर शोर से सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने और जिन्हें लाभ नहीं मिला उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए लगी हुई है। यह यात्रा कई गांव में होते हुए रेवाड़ी के विधानसभा बाबल के गांव चिरहाड़ा पहुंची, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जनसंवाद किया। कैबिनेट मंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस के सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। तो वहीं जिन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन अभी तक नहीं बनी थी उन्हें बनवाकर हाथों हाथ सौंपने का काम किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस तरह से पूरे देश में चल रही है और हरियाणा में भी चल रही है, तो आज हमारे गांव चिरहाड़ा में ये विकसित भारत यात्रा पहुंची है। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि लोगों को यहाँ बैठे बैठे सारी सुविधाएं, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे कोई फैमिली आईडी की कोई दिक्कत हो, ये सारी जो दिक्कतें ये मौके पर ही इनका समाधान हो रहा है। तो लोगों में काफ़ी जोश है, लोग इस पर काफ़ी उत्साहित है। 2047 तक आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स हुआ? देखो, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोग जो देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं उन पर अमल भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। अच्छा, 22 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, उद्घाटन हो रहा है, तो उसके अंदर जो बीजेपी कांग्रेस है वो ये कह रही है कि राजनीतिकरण कहीं ना कहीं किया जा रहा है इसका। नहीं, देखो, राम मंदिर और रामलला हमारे जो लोगों की आस्था है, हिंदू लोगों की आस्था है, और इसमें कोई राजनीति नहीं। और कांग्रेस वाले भी मंदिर जाएंगे और उन्होंने भी काम भी जाएंगे, तो ये इसमें कोई राजनीति नहीं, हमारे धर्म से जुड़ी हुई आस्था है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज खुला चैलेंज कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराएं, आप कैसे? देखो, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव साथ करवाने कि नहीं करवाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और ये 24 घंटे फील्ड में रहते हैं हमारे कार्यकर्ता, और हम पूरी तरह तैयार रहते हैं, कभी भी चुनाव करवाएं उसके लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी 2024 में। देखो, कोई भी पार्टी हो, चाहे कितने ही छोटी हो, कितने कमजोर हो, सब लोग यही कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, तो सपने पालने अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस का कहीं लग नहीं रहा कि उनकी सरकार बने, क्योंकि उनकी आपसी मतभेद इतने, वो अपने आप ही इकट्ठे नहीं हो सकते। पहले भारत जोड़ो यात्रा और नई यात्रा कैसे? देखो, पहले जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए, और उन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े प्रदेशों के अंदर बहुमत की सरकार बनाई और उनकी 1 प्रदेश के अंदर सरकार बनी, तो जब भारत जोड़ो का ये असर है, ये रिजल्ट है, तो न्याय यात्रा का क्या रिजल्ट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईडी की रेड पर इनेलो पार्टी घेर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो दिलबा सिंह को गिरफ्तार किया गया। देखो, ये तो भाई, देखो, जो ईडी है, सीबीआई, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ये अपने हिसाब से काम करती है, इसमें सरकार का